नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रक्षित तंदुर। समाजवादी पार्टी ने दिवाली पर्व के अवसर पर तिरंगा पार्क में दिए जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं शहीद सैनिकों के परिजनों को दिवाली के अवसर पर शुभकामनाएं भी दी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव शुएब अहमद का कहना है कि सीमा पर लड़ते हुए जो जवान शहीद हुए थे उनकी याद में तिरंगा पार्क में दिए जलाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। साथ ही जो सैनिक अभी शहीद हुए हैं उनके शोककुल परिवार के लिए उन्हें संवेदनाएं भी व्यक्त की और भगवान से उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे ऐसी प्रार्थना भी की। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डिंपल पांडे का कहना है कि जिनकी वजह से आज हमारा देश त्योहारों को मना रहा है, ऐसे देश के वीर शहीद सैनिकों को नमन करते हुए समाजवादी पार्टी ने आज तिरंगा पार्क में दिवाली के अवसर पर दिए जलाकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जितने भी हमारे सिपाही बॉर्डर पर सुरक्षा करते हुए हमारे देश की जो शहीद हुए हैं उन सारे शहीद भाइयों की याद में आज हम लोगों ने यहाँ दिए जलाकर दिवाली उनको आज एक संदेश भेजा है उन परिवार को कि आज उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जो जवान आज हमारे देश की सुरक्षा बॉर्डर पर कर रहे हैं उनके परिवार वालों को और उनको सबको आज दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस परिवार ने अपने बच्चों को खोया है उनके परिवार के लिए हम लोगों ने ऊपर वाले से दुआ करी है कि अमन चैन बने रहे और वो सकुशल परिवार जिन्होंने अपना घर खोया है, अपना बेटा या भाई खोया है, उनके लिए हम लोगों ने उनके सम्मान में आज याद दिए जलाकर उनको याद किया। दशहरा इत्यादि जो मनाए जाते हैं, जिनकी सरपरस्ती मनाए जाते हैं, जो सैनिक वहाँ पर अपने कुर्बानियाँ कर करके जिनकी वजह से हमारा भारत देश आज त्योहारों को मना रहा है, तो सबसे पहले हमारा विचार है कि सबसे पहले हम लोग उनके आगे नमन करना चाहिए। उनकी वजह से हम लोग इन त्योहारों को आज हर्षोल्लास के साथ मना पा रहे हैं। उन शहीदों के परिवारजनों को सांत्वना और साथ साथ में बहुत शुभकामनाएं, उनका परिवार खुश रहे और हमारे देश में अमन चैन का रहे। समाजवादी पार्टी से जुड़ी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहें जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।